इसराइल हमास जंग में अब तक कई प्रस्ताव आए और कई प्रस्ताव खारिज हुए, लेकिन एक ऐसा प्रस्ताव भी संयुक्त राष्ट्र में आया जो न सिर्फ पेश हुआ बल्कि पास भी हुआ। और हैरान करने वाली बात आपको ये लगेगी कि इस प्रस्ताव में भारत ने इसराइल के खिलाफ वोट किया। दरअसल ये प्रस्ताव फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था। यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालकर इसराइल के खिलाफ एक तरीके से वोट डाला है, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ कनाडा, हंगरी, इसराइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य नाउरू, अमेरिका ने मतदान किया, जबकि 18 मतदान से अनुपस्थित रहे। बता दें कि प्रस्ताव के समर्थन में 145 देशों ने वोट किया था। यूएन के इस प्रस्ताव में पूर्वी यरूशलेम समेत फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में जिस तरह से समस्या का समाधान करने के लिए इसराइल की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी निंदा की गई थी। अब इस मसौदे प्रस्ताव को 9 नवंबर को मंजूर कर लिया गया। बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें इसराइल के खिलाफ जाकर भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव पूर्वी यरूशलेम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां भारी बहुमत से पास हुआ। बता